जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और बहुत लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूं मैं क्यूनेट का। क्यूनेट के अप्लायंस टर्मिनेटेड। जी हां, क्यूनेट ने रिसेंटली 1 जनवरी से लेके 28 फेब तक की अपनी एक रेड लाइन पॉलिसी लिस्ट निकाली है, जिसमें 4 लोगों को टर्मिनेट किया है और उनके नाम मैं डिस्प्ले करूंगा वीडियो में आगे। उसको देखने के लिए आपको प्लीज वीडियो के साथ बने रहना होगा और ये शेयर करना बहुत जरूरी है। वो शेयर इसलिए करना है क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंडिया में अभी भी प्लान लेंगे। आपको किसी को भी उसमें से जिसको भी मिलते हैं उनका आईडी कार्ड मिल जाए, कुछ भी तरीके से पता लग जाए, तो उनको फिर से क्यूनेट तक इन्फॉर्म करना जरूरी है। क्यूनेट ने उनको कहीं ना कहीं टर्मिनेट करके फ्रॉड घोषित किया है और ये अप्रिशिएबल है। काफी सारे लोगों को ये डाउट है कि क्यूनेट एक्शन लेता है कि नहीं लेता, तो क्यूनेट एक्शन लेता है उसी का प्रूफ मैं इस वीडियो में दूंगा। इसके पीछे हिस्ट्री जानने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। क्यूनेट के चीफ का 2 साल पहले का वीडियो मैसेज आया था, मैं आर्टिकल उसमें उनकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं। उसमें कहा था कि ऐसा अप्लाई, मैं एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रहा हूँ, मैं एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रहा हूँ, जिसमें जो भी लोग वो चीट कर रहा है या कंपनी के नाम पे फ्रॉड कर रहा है, हो सकता है कंपनी के नाम पे पैसे खा रहा हो, कंपनी को मिसरिप्रेजेंट कर रहा हो, प्रोडक्ट सर्विसेज को गलत बता रहा हो या प्रोडक्ट सर्विसेज बता ही ना रहा हो, मतलब फ्रॉड चीट कुछ भी कर रहा हो, उसको क्यूनेट टर्मिनेट करेगा। लॉकडाउन के आसपास उन्होंने क्यूनेट ने 409 आयर्स को टर्मिनेट किया था, ये आर्टिकल में मेंशन है, अवेलेबल है। इनफैक्ट दुबई के न्यूज़पेपर वगैरह में भी ये आर्टिकल आया था। 409 आयर्स टर्मिनेट हुए थे 16 कंट्रीज के, आई थिंक 22 कंट्रीज थी, सॉरी करेक्शन करूंगा, 22 कंट्रीज के। वो आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसको स्टडी कर सकते हैं, चीफ की वीडियो देख सकते हैं। जितने भी लोग कमेंट में बोल रहे हैं कि मेरी इंफॉर्मेशन गलत है, मैं गलत इंफॉर्मेशन बना रहा हूँ, मैं नेगेटिव वीडियोस बना रहा हूँ, अगर उनको ऐसा लगता है तो वो चीफ की वीडियो पे भी जाके कमेंट करें। चीफ की वीडियो पे जितना हो सके लिखे कि आप गलत वीडियो बना रहे हैं। जैसे आप लोग मेरी वीडियो के कमेंट में गालियां दे रहे हैं, उसी तरीके से चीफ की वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ, वहां पे जाके प्लीज थोड़ी गालियां निकालिए, बहुत सही लगेगा, ताकि चीफ को भी पता लगेगा कि क्यूनेट के नाम पे जो आपकी अप्लायंस है वो क्या कर रहे हैं। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा पद्मन सेनापति राजा जी की वीडियो, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसका लिंक दूंगा, उस पे जाके गालियां निकालिए कि तू गलत बोल रहा है। जिस लैंग्वेज में आप मुझे बोल रहे हैं उसी लैंग्वेज में आपको जाके वहां बोलना है, ठीक है। अब देखिए, 4 नाम ये हैं, तपन व्यास, अगर ये आपके वहां के अप्लाई हैं तो प्लीज इनको बताइए, इनके बारे में कमेंट में बताइए कि ये किस एरिया में काम करते हैं, किस एरिया में ऑपरेट करते हैं, ताकि बाकी लोग अवेयर हो सकें। अगर किसी को भी प्लान में इनका नाम पता लगा तो ये वहां पे पैसे ट्रांसफर ना करें, चाहे ट्रस्ट बेसिस हो, कुछ भी हो, ये पैसे ट्रांसफर ना करें। अपने यार दोस्त फैमिली रिलेटिव जो भी आपको प्लान के लिए लेके गया है उसको वहां पे बोल दे, ये पर्सन टर्मिनेटेड है तो यहाँ प्लान लेने क्यों आया है, आपको ये अवेयर होना बहुत जरूरी है। सेकेंड पर्सन का नाम आदित्य सुरेश नागे, इनकी IR ID और नाम प्रॉपर डिस्प्ले में आपको दिख रहा है, इनका नाम बहुत ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले लेना, पर इनका नाम आपके पास रहना चाहिए। थर्ड हार्दिक गुप्ता, फोर्थ शर्मा राकेश, राकेश शर्मा भी हो सकते हैं, शर्मा राकेश, जिस तरीके से इन्होंने परचेजिंग की होगी, नाम यूज किया होगा, उस तरीके से ये टर्मिनेट हुआ है, उस तरीके से इनका नाम डिस्प्ले हुआ है। तो याद रहे, इनका नाम आपके माइंड में होना चाहिए क्योंकि ये लोग फ्रॉड घोषित हो चुके हैं क्यूनेट की तरफ से, और ये प्रूफ है रेडलाइन पॉलिसी का जो क्यूनेट ने लॉन्च की थी, कि कोई भी कंपनी को गलत तरीके से रिप्रेजेंट ना कर पाए, कोई भी किसी के साथ फ्रॉड ना कर पाए। ध्यान रहे, ये एफर्ट आपका ही है, आपको ही ये एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपके लिए मैं एफर्ट्स नहीं कर सकता कि आपका अपलाइन आपके साथ गलत कर रहा है और मैं उसके लिए कंप्लेंट करूंगा, उसको कोई यूज नहीं। आपको अपने अप्लायंस की जिम्मेवारी, उसकी अनएथिकल एक्टिविटीज के बारे में कंप्लेंट करना, वो आपकी जिम्मेवारी है, आपको उसकी अनएथिकल एक्टिविटीज की ईमेल आईडी पे मेल फॉरवर्ड करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मेल फॉरवर्ड करना है। उसमें ये नहीं है कि आपको कोई कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्यूनेट सारा प्रोसेस मेल और कॉल के थ्रू ही करेगा, वो आपसे पूछेगा, डिस्कशन करेगा कॉल में, आपको कहीं नहीं जाना,
और उसके बाद अगर क्यूनेट इन्वेस्टिगेशन में देख लिया उसने कि अपलाइंट गलत कर रहा है, वो खुद से भी अपनी चीजें प्रूव करने की कोशिश करेगा, उसके बाद डेफिनेटली टर्मिनेशन होगा। 409 आईआरएस को जब टर्मिनेट कर सकता है क्यूनेट, तो आगे भी जरूर कर सकता है। क्यूनेट ये नहीं देखेगा कि कोई भी अप्लाइंट लाखों कमा रहा है करोड़ों कमा रहा है, अगर उसने गलत किया है और उसका प्रूफ क्यूनेट के पास चला गया आपके एफर्ट से और आपने प्रूफ कर दिया, तो डेफिनेटली वो पर्सन टर्मिनेट होगा। और टर्मिनेट कराने से ये होगा कि उस पर्सन का कॉन्फिडेंस लूज होगा, उसकी टीम का कॉन्फिडेंस लूज होगा और वो वहीं पे चेन टूटेगी, और ये चेन तोड़नी जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल को अगर सुधारना है ना, मैं उसी के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा पर्पस है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को थोड़ा सा साफ करना, क्लीन करना, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी ब्यूटीफुल है, फ्यूचर ये कहीं ना कहीं एक ऑप्शन बन सकती है। हर किसी का पर्सन का मन नहीं करेगा नेटवर्क मार्केटिंग में जाने का, बट कुछ लोग ऐसे होंगे जिसका जरूर करेगा। ये इंडस्ट्री एक ऑप्शन बन सकती है, एक करियर बन सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी 28 दिसंबर को इसके लिए रूल्स लेके आई है। रूल्स लॉ का मतलब है गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है, शायद सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू प्रमोट नहीं कर रही, बट रूल्स लाना एक तरह का प्रमोशन ही है, लॉ बनना एक तरह का प्रमोशन ही है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है, तो इसको आप गलत नहीं ठहरा सकते। इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी चैप्टर शुरू हो चुके हैं, बेंगलोर साइड भी चैप्टर शुरू हो चुके हैं, हिमाचल में भी कोर्सेज स्टार्ट हो गए। तो जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा तो नॉलेज आएगी, और नॉलेज अवेयरनेस के बाद ही आप सही तरीके से इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं बढ़े जा रहा है, तो उसके लिए एक ऑप्शन तो हमें कहीं ना कहीं चाहिए होगा, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए एक ऑप्शन बन सकती है। और ये ऑप्शन तभी बनेगी जब आप इसको साफ करने की कोशिश करोगे। मैं अकेला तो इस इंडस्ट्री को साफ नहीं कर सकता, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अवेयर कर सकता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंसेस जो है वो यहाँ मैं वीडियोस में ला सकता हूँ। आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना है, कुछ भी प्रूफ इकट्ठे कीजिए, कोई भी अपलाइन आपके सामने, चाहे का यार दोस्त फैमिली रिलेटेड कोई भी हो, आप उससे मत डरो। अगर आपने उसको क्यूनेट से टर्मिनेट करा दिया ना, वो अपने आप अपने अपलाइन को टर्मिनेट कराएगा। तो यहाँ से चेन इसी तरीके से आप तोड़ पाओगे। अगर आपको आपका खास दोस्त या भाई आपको लेके आया, वो क्यूनेट उसको सिर्फ टर्मिनेट करेगा, जेल नहीं भेजेगा, टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेट का मतलब है क्यूनेट से निकाले जाओगे आप, उसकी अर्निंग खत्म हो जाएगी, उसका पोर्टल सस्पेंड हो जाएगा, सिर्फ इतना मतलब है। टर्मिनेट कराने से आप ये इसमें मत डरो कि आपका वो भाई है, आपकी वो बहन है, या आपका कोई खास पर्सन है। टर्मिनेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ छोटा सा है, क्यूनेट से बाहर किया जाएगा, अर्निंग खत्म हो जाएगी, वो भी बहुत बड़ा धक्का होता है। अगर लाखों रुपए भी एक अप्लाइंट कमा रहा है ना और उसको टर्मिनेट कर दिया, वहीं पे वहीं कॉन्फिडेंस लूज रहेगा। तो जरूरी है सिस्टम को साफ करना। प्लीज सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके अप्लाइंट के प्रूफ इकट्ठे कीजिए और क्यूनेट को भेजिए। अनएथिकल एक्टिविटीज की ईमेल आईडीज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जितना हो सके प्रूफ दीजिए, जितना हो सके प्रूफ इकट्ठे करिए, किसी भी तरीके से, ये कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल्स, किसी भी तरीके से। आपको बस ये प्रूफ करना है कि पॉलिसी प्रोसीजर्स के अगेंस्ट अप्लाइंट काम कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। प्लीज इसको जितना हो सके शेयर कीजिए। इंडिया में आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कितने लोग इस वीडियो के लिए, शायद उनको चाहिए होगी ये वीडियो, हो सकता है उनको इन्फॉर्मेशन मिले कि उनको ये चार लोगों के नाम मिले और उनके सामने वो प्लान कर रहे हो। आई होप आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।